अयोध्या में नागा बाईपास स्थित गुरुदेव पैलेस और लोन का भव्य उद्घाटन राम वल्लभा कुंज के उत्तराधिकारी राजकुमार दास ने किया। इस उद्घाटन के अवसर पर अयोध्या के कई संत महंत अतिथि रहे, जिसमें नागा हनुमानगढ़ी के महंत रामदास और अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास और अन्य अतिथि मौजूद रहे। उद्घाटन करने पहुंचे राम वल्लभा कुंज के उत्तराधिकारी राजकुमार दास का गुरुदेव पैलेस के ओनर रवि सिंह ने माला पहनाकर स्वागत किया। राजकुमार दास ने पूजा पाठ के बाद फीता काटकर गुरुदेव पैलेस का शुभारंभ किया। वह हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने बताया कि राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यहां पर राम मंदिर निर्माण के बाद पर्यटकों का आना शुरू हो जाएगा। संवाददाता आजम की रिपोर्ट। मैं यहाँ के प्रबंधक और मालिक रवि सिंह को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। आज गुरुदेव पैलेस का उद्घाटन संतों के नेतृत्व में संतों के द्वारा आचार्य पीठ बल्लभा कुंज अधिकारी राजकुमार दास जी, नाका हनुमानगढ़ी महंत रामदास जी और अवध यूनिवर्सिटी चीफ प्रैक्टर महोदय के नेतृत्व में उनके स्नेह से उनके कर कमलों के द्वारा आज उद्घाटन हुआ। मैं साधुवाद दूंगा कि जिस प्रकार से अयोध्या में आने वाले समय में टूरिस्टों की संख्या जिस प्रकार बढ़ रही है, उसको देखते हुए इन्होंने पहले ही एक तोहफा दिया है अयोध्या को कि एक गुरुदेव पैलेस के नाम पे इन्होंने रखा है, और मुझको लगता है इसमें तमाम लोगों का हित होगा, लाभ होगा, और जो बाहरी टूरिस्ट हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, उनको लाभ मिलेगा। तो उनको शुभकामना, उनको बधाई, ढेर सारा शुभकामना। अत्र का पावन पर्व चल रहा है और नवरात्र के पावन पर्व में, और जब से भगवान राम की जन्मभूमि का मंदिर का आदेश आया, आदेश आने के बाद भूमि पूजन हुआ, और भूमि पूजन के बाद लगातार जिस हिसाब से आने जाने वाले भक्तों का तांता और मेला चल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में रवि सिंह जी ने इतना अच्छा कार्य किया, उनको खूब खूब आभार और नवरात्रि की ढेर सारा शुभकामना, ढेर सारी बधाई, और कोविड संक्रमण या जल्दी से मुक्ति मिले यही कामना करेंगे, और निवेदन भी करेंगे आम जनमानस से कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं बन जाता है किसी भी प्रकार का, तब तक कोई भी व्यक्ति ऐसा ना करें जो पुनः संक्रमण को बढ़ाएं, भीड़ भाड़ ना लगाएं, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, हाथ को धोल कर रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आपके चैनल के माध्यम से सभी आम जनमानस से मेरा प्रार्थना। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।